गाइज कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू इनेबल मल्टीपल यूज़र इन। सो गाइज आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने इस फ़ोन में मल्टीपल यूज़र कैसे ऑन कर पाएंगे। सो गाइज वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि हम ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक की हिडन फीचर्स की वीडियोस हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जाना होगा अपने मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रोल कर लेना होगा और यहाँ से आपको जाना होगा यूजर्स एंड अकाउंट्स पर, इस पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ से आपको मल्टीपल यूजर्स मिल जाता है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो अभी हम आपको दिखा देते हैं, हमारे फ़ोन में पैटर्न लॉक लगा हुआ है, पासवर्ड लॉक भी लगा हुआ है और यहाँ पर हमारे फ़ोन में डुअल फेसबुक है, बाकी अदर एप्लीकेशन भी हैं, तो ज़्यादा एप्लीकेशन है नहीं फ़िलहाल। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना होगा, ऐड पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको जो भी है ऐड कर लेना है, जिसका भी नाम आपको ऐड करना है, जो मल्टीपल यूज़र आपको बनाना है। तो अभी हम अपना नाम लिख देते हैं, ओके। अब यहाँ पर ये हो गया है और यहाँ पर सेलेक्ट सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे इनेबल कर देना है, आपको बैक जाना है, फिर यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा, ओके कर देना होगा। अब ये आपका स्विच हो जाता है दूसरे फ़ोन में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा फ़ोन जो है स्विच हो चुका है। अब यहाँ से इसे कंटिन्यू करना होगा, सेट ऑफलाइन कर देते हैं, कंटिन्यू कर देना है। अब हमारा दूसरा एकदम सेटअप हो जाता है नया फ़ोन का। तो यहाँ पर इस तरीके से आप सेटअप कर पाएंगे, एग्री करना है आपको और यहाँ से आपको अपना स्क्रीन लॉक डाल देना है। तो अभी हम इसे स्क्रीन लॉक को भी कट कर देते हैं। सो गाइस यहाँ पर देख पा रहे हैं आप हमारा सेटअप हो चुका है। उस वाले फ़ोन में हमारी डबल फेसबुक था और यूट्यूब नहीं था, और यहाँ पर कोई भी फेसबुक है नहीं और यहाँ पर यूट्यूब भी है। फ़ोन में हमारे फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ था और इस फ़ोन में हमारे फिंगरप्रिंट लॉक पैटर्न लॉक कुछ भी लगा हुआ नहीं है, तो एकदम से फ़ोन अनलॉक हो जाता है। सो गाइस देख पा रहे हैं आप इस तरीके से आप अपने फ़ोन में मल्टीपल यूज़र ऑन कर पाएंगे। अब आपको दोबारा से अपने वही फ़ोन में जाना है तो आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना होगा, फिर यहाँ से आपको यूजर्स अकाउंट्स पर जाना होगा, मल्टी यूजर्स पर जाना होगा और ऑनर वाले पर क्लिक करना होगा, ओके कर देना होगा। अब आपका स्विच हो जाता है उस वाले फ़ोन पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्विच हो चुका है। अब हमने फिंगर को टच किया यहाँ पर और यहाँ पर हमारा फ़ोन आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में मल्टीपल यूज़र ऑन कर सकते हैं और मल्टीपल यूज़र का मज़ा ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।